इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 जिसका कि नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हम लोग जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बेसिक डिफिनेशंस, फिर लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे, भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो इंडिया का लैंड सरफेस है, वाटर सरफेस है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जानेंगे, और फिर ये भी जानेंगे कि वो लोग कितना यूज़फुल होता है हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे सोशल लाइफ के लिए। देखिए, ट्रांसपोर्ट का मीन्स का अगर बात करें तो मान लेते हैं आप अपने घर से कोई शॉप, कोई दुकान जा रहे हैं वहाँ पे कुछ ख़रीदने के लिए, तो आप मान लेते हैं पैदल जा रहे हो, ठीक है। तो पैदल जब जा रहे हो तो आपका जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, एक तो आप पैदल चल रहे हो इसका मतलब पैर, और दूसरा जो आप ज़मीन पे चल रहे हो इसका मतलब लैंड, ठीक है। इस प्रकार अगर मान लेते हैं कि आप समुद्र में रहते हो और किसी समुद्र के किनारे पे कुछ जाना है आपको, तो आप बोट से जाओगे, या आप अगर अमेरिका से इंडिया आना चाहते हो तो आप एरोप्लेन से आओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से तीन तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। एक हो गया आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, जैसे हम बताएं भी ज़मीन से जब हम लोग जाएंगे तो उसको लैंड ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा, जब हम लोग पानी से जाएंगे उसको वाटर ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा, और जब हम लोग हवाई जहाज़ से जाएंगे तो उसको एयर ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा। अब कोई भी चीज़ लाने के लिए या किसी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार से जब हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो तीन मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लैंड, वाटर और एयर। तो पहले हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैसे जैसे भारत डेवलप करना शुरू हुआ, यानी कि जब भारत को आज़ादी मिली उसके बाद जैसे जैसे भारत डेवलप किया, तो उसके बाद डेवलप करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कम्युनिकेशन का लाइन को डेवलप करना, ट्रांसपोर्ट का लाइन को डेवलप करना। इसके लिए रोड को डेवलप किया गया, हर गाँव में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी ऐसा पिछड़ा जगह था वहाँ पे रोड का जो है वो उसका जाल जो है वो बिछाया गया, ठीक है। आज का स्थिति ये हो गया कि भारत जो है, भारत में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, जिसका कि लेंथ लगभग 56 लाख किलोमीटर है, मतलब 56 लाख किलोमीटर जो है वो भारत में आपका रोड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अगर 2017-18 का एनुअल रिपोर्ट के बारे में बात करें तो भारत का 85% जो पैसेंजर्स है, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनमें से 100 में से 85 लोग 85 लोग क्या करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर 100 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उसमें से 85 लोग रोड ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करते हैं। अगर रोड ट्रांसपोर्ट का बात करें तो आज़ादी के बाद से तो रोड ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ, बट वर्ल्ड वॉर टू जो कि 1939 से लेकर के 1943 तक का था, उस टाइम के बाद से भी काफ़ी ज़्यादा रोड का ट्रांसपोर्ट देखने को मिला, उसको विकास करने का मौका मिला। 1943 में एक नागपुर प्लान बनाया गया था, जिसके तहत जो इंडिया है उसमें रोड का जो जाल है, रोड का जो नेटवर्क है, उसको फैलाने का काम करने के बारे में सोचा गया। लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे, आपको पता ही है, राजा रजवाड़े होते थे, बहुत सारा अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स होता था, तो प्रिंसली स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके बीच में बात नहीं हो पाई, बात एक तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, इसलिए ये प्लान को धराशायी हो गया और इसको कभी अमल में नहीं लाया गया। फिर क्या होता है, 1961 में एक 20-ईयर प्लान लाया गया, जिसके कारण कहा गया कि जो भारत में रोड्स है उसको सबसे पहले उसका जो कंडीशन है उसको बेहतर किया जाएगा और रोड को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसलिए अब हम लोग जानते हैं कि आज के डेट में नेशनल हाईवेज है, स्टेट हाईवेज है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, रूरल रोड्स है, तो इस ये जो है वो 1961 के बाद से ही लाया जाने लगा, और इसके लिए नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, इसको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। अगर नेशनल हाईवेज का बात करें तो ये जो है वो मेन रोड होता है, और नेशनल हाईवे का स्थिति बहुत बेहतर है, ठीक है, आज के डेट में अगर आप देखो तो नेशनल हाईवे जो है वो मेन रोड होता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स को चलाती है, यानी कि इसका जो देखभाल का काम होता है वो मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी को दे दे तो वो अलग बात है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही के ही अंडर आता है। और ये क्या करता है, ये इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, मान लेते हैं कि ये आपका महाराष्ट्र हो गया
और ये राजस्थान हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो रोड जाएगा वो हो सकता है कि वो नेशनल हाईवे हो। मेनली ऐसा देखा गया है कि दो या दो से ज़्यादा राज्य को जोड़ने वाला जो रोड होता है वो नेशनल हाईवे ही कहा जाता है। और ये जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि ये मेजर सिटीज़ जो है, जो शहर होता है किसी भी राज्य में, उसको जोड़ता है, उसके जो कैपिटल्स है, जैसे कि मुंबई का जो महाराष्ट्र का जो सॉरी महाराष्ट्र का जो मुंबई है वो उसको जोड़ता है अलग अलग सिटीज़ से, ठीक है। फिर जो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स है, जैसे मुंबई, यहाँ पर पोर्ट भी है तो मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ रहा है, रेलवे जंक्शन से जोड़ रहा है, तो इसलिए ये वाला जो रोड है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। 2016 का बात करें तो इस टाइम तक लगभग 1,11,000 किलोमीटर रोड जो है वो नेशनल हाईवे की कैटेगरी में आता है, और जितने भी रोड भारत में हैं उसका लगभग 2% उस टाइम पे 2016 में ये नेशनल हाईवे के अंडर आता था, ठीक है। लेकिन 40% रोड ट्रैफिक यहीं पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितना इम्पॉर्टेंट, आप समझ सकते हो कि यहाँ का रोड ट्रैफिक 40% है, और अगर लेंथ का बात करें तो ये मात्र 2% है, ठीक है। मतलब 2% जगह में ही ये 40% ट्रांसपोर्ट जो है वो हो रहा है। इसका मतलब वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो। फिर क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक गठित किया जाता है, उसको कंस्टिट्यूट करने के बाद उसको ऑपरेशन में लाया जाता है 1995 में, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस ट्रांसपोर्ट, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसके अंतर्गत आता है। और अभी आपको पता ही होगा उनके जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं ऐसा वो दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसके पास, मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस ट्रांसपोर्ट के पास ये काम था कि ये जो है नेशनल हाईवे को बनाएगी, उसको डेवलप करेगी, और उसका देखभाल भी इसी के पास आएगा, ठीक है। फिर दूसरा टाइप का अगर बात करें रोड के बारे में तो वो आता है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे वो भारत में लगभग 4% जो रोड है वो स्टेट हाईवे है। रोड का लेंथ मतलब कि अगर 100 किलोमीटर है तो उसमें से 2 किलोमीटर तो नेशनल हाईवे हो गया, 4 किलोमीटर जो है वो स्टेट हाईवे हो गया। स्टेट हाईवे क्या करता है, ये मेनली जो स्टेट का कैपिटल है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र का जो मुंबई है, मुंबई से ये दूसरा जो सिटीज़ है उसको जोड़ता है, जैसे कि सांगली हो गया, ठीक है, मराठवाड़ा हो गया, ये सब रीजन को ये जोड़ता है। फिर अगर तीसरे तरह का रोड का बात करें तो ये आता है डिस्ट्रिक्ट रोड। और डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट का जो हेड क्वार्टर होता है उससे अलग अलग जगह को वो जोड़ता है, और ये भारत में लगभग 14% है, ठीक है। 100 किलोमीटर लेंथ का अगर रोड है तो उसमें से 14 किलोमीटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट रोड में आता है। डिस्ट्रिक्ट रोड को कौन चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अलग अलग जगह पे जोड़ता है। फिर आता है रूरल रोड। रूरल रोड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से गांव के लोग जो है वो शहर जाने में आसानी हो जाती है उनको। और भारत में जितना भी रोड है उसका 80% लगभग रूरल रोड में ही आता है, मतलब गाँव की सड़कें में ही आता है। अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में आप जानते ही होंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब 1998 या 1999 में स्टार्ट हुआ, तब से लेकर के भारत के गांव का जो रोड का स्थिति है वो काफ़ी बेहतर माना गया और देखा गया, ठीक है। और अगर दूसरे तरह का रोड के बारे में बात करें इन सबको अलग करने के बाद, तो एक आता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं BRO, वो 1960 में गठित किया गया था उसको। ये क्या करता है, ये बॉर्डर एरियाज़ में, जैसे कि चाइना का बॉर्डर हो गया, इंडिया का बॉर्डर हो गया, नेपाल का बॉर्डर हो गया, इस बॉर्डर वाले एरिया में ये रोड को बनवाती है और उसका उसको जो है वो देखती है, उसका देखभाल करती है, उसका मेंटेनेंस वगैरह ये करती है, ठीक है। ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये हिमाचल की मनाली से लेकर के चंडीगढ़ का जोड़ने वाला एक रोड को बनाया है, जो कि समुद्री तल से यानी कि सी लेवल से ये 4,270 मीटर ऊपर है, और ये रिकॉर्ड है कि उतना ऊपर में, मतलब जब समुद्री तल से उतना ऊंचाई पर ये रोड बनाया गया है। अब जैसे आपको पता ही है कि भारत का पाकिस्तान के साथ, भारत का चाइना के साथ और नेपाल के साथ भी कुछ कुछ जगहों पर स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, और स्नोफॉल होने के कारण जो है वो रोड में स्नो जो है जम जाता है, बर्फ़ जम जाता है, तो उसको हटाने का काम भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही करती है। अब हम लोग बॉर्डर रोड अब हम लोग रोड के बारे में जान गए, तो रोड के बारे में जानने के बाद कुछ कुछ अभी हम लोग यहाँ पर आंकड़ा देख लें। सबसे पहले नेशनल हाईवे कितना है, 1,01,000। स्टेट हाईवे कितना है, 17,61,000। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कितना है, 5,61,000। और रूरल रोड कितना है,
तो 39,35,000 सबसे ज़्यादा कौन है, रूरल रोड, उसके बाद मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर स्टेट हाईवे और फिर नेशनल हाईवे। ठीक है, क्या आपको पता है कि शेरशाह सूरी जो है वो ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड को बनवाना चाहते थे, कहाँ से कहाँ तक, लाहौर से लेकर के चितागोंग तक, ठीक है, सॉरी सिलहट तक, वहाँ तक वो बनवाना चाहते थे। लेकिन चूँकि ब्रिटिश पीरियड के ख़त्म होने के बाद भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राज्य में, दो अलग अलग देश में फट गया, तो इसलिए अभी जो है जीटी रोड वो अमृतसर से कोलकाता तक जोड़ता है, और इसमें नेशनल हाईवे 1 जो कि दिल्ली से अमृतसर और नेशनल हाईवे 2 जो कि दिल्ली से कोलकाता तक आते हैं, इनमें इसको बंटवारा कर दिया गया है। अब हम लोग बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यानी कि NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दो तरह का प्रोजेक्ट भी हाथ में लिया गया है। एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये क्या करेगा, ये कश्मीर से लेकर के मुंबई तक और मुंबई से फिर चेन्नई तक, चेन्नई से लेकर के कोलकाता तक एक तरह का रोड का जाल बिछा देगा, जिसको बोला गया ये एक क्वाड्रिलेटरल की तरह है, मतलब इसका चार हिस्सा है, इसलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम दिया गया, दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, फिर एक आता है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट क्या करेगा, नॉर्थ में कन्याकुमारी, सॉरी नॉर्थ में कश्मीर से लेकर के साउथ में कन्याकुमारी और वेस्ट में गुजरात से लेकर के ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश तक ये जाएगा। ठीक है, सो ईस्ट वेस्ट में अगर बात करें तो गुजरात का पोरबंदर और आसाम का सिलचर तक ये जाएगा, जिसका कि लंबाई होगा 3,640 किलोमीटर, और अगर नॉर्थ साउथ वाले का बात करें तो 4076 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि इंडियन रेल जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और हम लोग कितना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उससे। ठीक है, महात्मा गांधी तो ये भी बताए थे कि इंडियन रेलवेज़ ब्रॉड पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। महात्मा गांधी का ये मानना था कि इंडियन रेलवे के कारण अलग अलग जो कल्चर के लोग हैं, जैसे कोई बिहार में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई उड़ीसा में है, कोई साउथ में है, तो रेलवे के कारण क्या हुआ, ये लोग जो है वो आपस में मिले और आपस में मिलने के कारण इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल और मजबूत हुआ। तो इस तरह से इंडिया का जो रेलवे है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे का प्रोडक्शन 1853 में किया गया था और उस टाइम पे बम्बई से थाने जो कि 34 किलोमीटर का दरमियान था, मतलब डिस्टेंस था, उसको कवर करने के लिए पटरी बिछाई गई थी और उस पर रेल जो है वो दौड़ाया गया था। ठीक है, फिलहाल अगर 2015 का बात करें तो भारत में रेल नेटवर्क कुछ 66,030 किलोमीटर का है, 66,030 किलोमीटर का है, और भारत के जो रेलवे है उसको 16 रेलवे जोन्स में बांट दिया गया है, जिसका अलग अलग हेडक्वार्टर्स है, जैसे कि सेंट्रल रेलवे जोन्स जिसका कि मुंबई में है, फिर ईस्टर्न जिसका कोलकाता में है, ईस्ट सेंट्रल जिसका हाजीपुर में, कभी आप जाओगे ना तो देखना कि वहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे ईस्टर्न सेंट्रल का लिखा रहेगा EC। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर तरफ जाओगे यानी कि आप अगर गुवाहाटी तरफ जाओगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा रेलवे का जो डिब्बा होता है ना उसमें लिखा होगा, बॉक्स जो होता है उसमें लिखा रहेगा NEF नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। ठीक है, अगर आप नॉर्थ साइड आओगे इंडिया के नॉर्थन साइड में, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया तो वहाँ पे आपको लिखा रहेगा नॉर्दर्न रेलवे। ठीक है, फिर आपका अगर आप कोलकाता हो गए तो वहाँ लिखा रहेगा साउथ ईस्टर्न रेलवे SER, इस तरह से। तो ये सब जो है वो अलग अलग जोन है, जैसे कि जैसे हम बताएं आपको ईस्ट सेंट्रल जो हाजीपुर में इसका हेडक्वार्टर, ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर में, नॉर्थ कोस्ट का नॉर्दर्न का जो है वो दिल्ली में, नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद में, नॉर्थ ईस्टर्न का गोरखपुर में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का मालेगांव में, नॉर्थ वेस्टर्न का जयपुर में, साउथर्न रेलवेज का चेन्नई में, साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद में, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का बिलासपुर में, साउथ वेस्टर्न रेलवे का हुबली में, वेस्टर्न रेलवेज का मुंबई में और वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जबलपुर में। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडिया का जो रेलवे है उसको अलग अलग से आपका सेक्टर्स में बांट दिया गया है, अलग अलग रेलवे जोन्स में उसको बांट दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि जो ट्रैक्स का विड्थ होता है वो तीन कैटेगरीज में होता है, उसके बारे में जानते हैं। ट्रैक्स का विड्थ का मतलब, रेलवे जब चलती है तो कोई पटरी पे चलती है तो दो पटरी के बीच में जो उसका डिस्टेंस है उसको बोलते हैं ट्रैक्स, विड्थ ऑफ ट्रैक्स। ठीक है, ये तीन तरह का होता है। पहला हो गया ब्रॉड गॉज, इसमें क्या होगा, जो दो पटरी है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.76 मीटर होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो माल गाड़ी होती है, जो रेलवे का माल गाड़ी होती है, उसमें सामान ढोने में उसको
आसानी होगा और ज़्यादा सामान उसमें ढो पाएगा। ठीक है, मीटर गॉज का बात करें तो दो पटरी के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर और नैरो गेज का गॉज का बात करें तो दो पटरी के बीच का डिस्टेंस 0.762 मीटर से लेकर के 0.610 मीटर से। ठीक है, अगर मार्च 2016 तक में बात करें तो ब्रॉड गॉज देखो आप मात्र 60,510 किलोमीटर है, वहीं मीटर गॉज 3,880 किलोमीटर है और आपका जो नैरो गॉज है वो 2,297 किलोमीटर ही है। तो भारत सरकार का ये प्रयास है कि जो नैरो गॉज है उसको मीटर गॉज में पहले कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, और मीटर गॉज को फिर ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट किया जाए, ताकि ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट करने से क्या होगा, सामान भी ज़्यादा जाएगा एक बार, मतलब जब बड़ा हो जाएगा वो तो सामान भी उसमें ज़्यादा जाएगा और आदमी भी उसमें ज़्यादा जा सकती है। ठीक है, इससे क्या होगा, स्पीड भी तेज़ हो जाएगा और हॉलेज कैपेसिटी जो उसको सामान ढोने का जो कैपेसिटी है वो भी तेज़ हो जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, जो ट्रेन में पहले कोयला से ट्रेन चलता था उसको अब ट्रेन को चेंज करके डीजल और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिकल इंजन भी लगाया जा रहा है। मेट्रो रेल जो कोलकाता और दिल्ली में चलता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वो क्या किया, जो बस का जो दिक्कत होता था या एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो दिक्कत होती थी उसको वो कम कर दिया है। ठीक है, अब ब्रिटिश टाइम से ही जो हिल एरियाज है, जैसे कि असम वाला एरियाज, कमर्शियल क्रॉप वाला एरिया, जो जैसे आपका ये जो आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन वाला एरिया है, वहाँ से पहले से ही ब्रिटिश टाइम से ही जो रेलवे का है वो डेवलपमेंट कर किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि सामान को ला करके पोर्ट में, कोलकाता वाला पोर्ट में देना था और उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना था, किसका, ब्रिटिश का। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज था, जैसे आप देखो असम में क्या था, चाय की पत्तियाँ थी और चाय बनता था जाकर के ब्रिटेन में, तो इस प्रकार से वो जो रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉयट करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए इस प्रकार का डेवलपमेंट किया गया था आपका रेलवे का। ठीक है, तो फिर भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत आज़ाद होने के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, जैसे बताया कि आपको जो रेलवेज था उसका डेवलपमेंट हुआ, और रेलवेज डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है कोंकण रेलवे का। जब आप भारत का मैप देखोगे ना तो उसमें आप देखोगे एक चीज़ कि कोंकण जो है वो क्या होता है ना, कोंकण यहाँ मुंबई वाला रीजन से लेकर के कर्नाटक वाले रीजन तक जो कोस्टल एरियाज है, मतलब समुद्र के सामने वाला जो एरियाज है उसको बोला जाता है कोंकण रीजन। ठीक है, कोंकण रीजन, तो इस रीजन में भारत सरकार ने 1998 में कोंकण रेलवे नाम का एक कंस्ट्रक्शन किया और वो 760 किलोमीटर है, यानी कि महाराष्ट्र का रोहा से स्टार्ट होकर के कर्नाटक का मैंगलोर तक वो चलता है। अब ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो करीबन 146 छोटे छोटे रिवर्स जाते हैं, अलग अलग तरीके का स्ट्रीम्स जाता है, 2000 ब्रिज बनाया गया, 2000 मतलब ज़मीन से ऊपर 2000 ब्रिज बनाया गया, 91 टनल्स बनाया गया जो कि ज़मीन के नीचे से जाता था। ठीक है, या उसके ऊपर पहाड़ियां हैं तो पहाड़ी को काट के बनाया गया, ये भारत का इसमें इनफैक्ट एशिया का सबसे लार्जेस्ट टनल बनाया गया जो कि 6.5 किलोमीटर लंबा था। ठीक है, ये भारत का महाराष्ट्र वाला रीजन, महाराष्ट्र का स्टेट, गोवा स्टेट और कर्नाटक स्टेट में इसमें ये कोंकण रेलवे को बनाया गया। ठीक है, और अब केरल की जो गवर्नमेंट है वो भी बोल रही है कि एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जो कि वेस्टर्न घाट में होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बताओ कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है, केरल गवर्नमेंट का क्या वो प्लान है और उसमें क्या क्या फ़ायदा और नुकसान है। अब हम लोग तीसरे ट्रांसपोर्ट पर आते हैं, इसका नाम है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, एक होता है इनलैंड वाटर वे, दूसरा होता है ओशियनिक वाटर वे। इनलैंड वाटर वे यानी कि देश के अंदर जो वाटर, जैसे कि भारत में गंगा नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो इन सब नदियों का इस्तेमाल करके हम लोग बोट से सामान को ले जाएंगे। देखो यहाँ पे बोट से हम लोग सामान को ले जाएंगे, लोगों को ले जाएंगे, तो ये हम लोग जब इस्तेमाल करेंगे भारत के अंदर में तो उसको बोला जाएगा इनलैंड वाटर वे, जब हम लोग ओशियन में समुद्र में ले जाएंगे तो उसको बोला जाएगा ओशियनिक वाटर वे। ठीक है, अगर इनलैंड वाटर वे इसका बात करें तो भारत में जब रेलवे नहीं आया था तो उससे पहले आदिम काल से ही, बहुत पुराने समय से ही जो वाटर है उसका ट्रांसपोर्ट के रूप में काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और फिर जैसे जैसे रेलवे का विकास हुआ उस तरह से जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, मतलब वाटर को हम लोग ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ करना कम कर दिए और उसको क्या करने लगे, उसका पानी को हम लोग इरीगेशन के लिए, खेती के लिए यूज़ करने लगे। अब इससे क्या हुआ, जो पानी का जो स्तर है वो कम होने लगा और इसलिए हम लोग इसको कम्युनिकेशन के रूप में या नेविगेबल वाटर वेज के रूप में, जहाँ पर हम लोग नेविगेट कर सकें, उसको उस पर चल सकें या उस पर कहीं जा सकें, वो कम होना स्टार्ट हो गया। और अभी भारत में मात्र
भारत का जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि जो रोड से या फिर जो रेलवे से या फिर जो हवाई जहाज़ से होता है और जो वाटरवे से होता है, उन सबको अगर मिला दें तो उसमें मात्र 1% शेयर वाटरवेज का है। ठीक है, अभी भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर का जो वाटरवेज है वो नेविगेबल है, मतलब उस पर हम लोग अपना काम कर सकते हैं और उस पर यात्री एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि सामान भी जा सकता है। अभी अगर अभी प्रेजेंट का बात करें तो 5,685 किलोमीटर जो रिवर्स है, बड़े बड़े रिवर्स हैं, उसको हम लोग बोट से हम लोग उसको नेविगेट कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम कर सकते हैं ताकि वहाँ पे सामान या फिर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। ठीक है, 1986 में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी बनाया गया, और जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी बनाया गया उसने कहा कि जो कुछ कुछ वाटरवेज है उसको नेशनल वाटरवे डिक्लेयर कर दिया जाए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैसा ही किया। और फिलहाल 5 जो इम्पॉर्टेंट वाटरवेज है उसका नाम है नेशनल वाटरवे 1, जो कि अलाहाबाद मतलब कि यूपी से लेकर के हल्दिया तक आता है गंगा नदी पर। ठीक है, और गंगा नदी पर आने के बाद ये बोट से मैकेनिकल बोट से, यानी कि मशीन से जो बोट चलती है उससे ये पटना तक आती है, और पटना से फिर हरिद्वार तक ये नॉर्मल बोट से, जो कि जिससे जो बड़ा बड़ा बोट नहीं होता मतलब छोटा छोटा बोट होता है उससे वो हरिद्वार तक आती है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है हल्दिया से फरक्का यानी कि वेस्ट बंगाल तक, हल्दिया से फरक्का 560 किलोमीटर, फरक्का से फिर पटना यानी कि बिहार तक, और फिर पटना से अलाहाबाद। इसमें क्या होगा, इसमें मेनली जो लोगों को किसी किसी इंसान को अगर वेस्ट बंगाल से उत्तर प्रदेश जाना हो तो वो इसको यूज़ करके जा सकते हैं, या फिर कोई सामान जाना हो तो वो जा सकता है। ठीक है, अभी हाल ही में जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ 15-20 ट्रक जो है वो गेहूँ इधर से हल्दिया से फरक्का के लिए, सॉरी हल्दिया से अलाहाबाद के लिए भेजा था। ठीक है, तो इस प्रकार से अलाहाबाद से हल्दिया के लिए भेजा था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका यूज़ किया जा सकता है। नेशनल वाटरवे 2 का बात करें तो ये सदिया और धुबरी स्ट्रेच, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे आता है और बांग्लादेश के साथ डिब्रूगढ़ जो कि शेयर करती है बांग्लादेश और इंडिया, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, इसमें एक तरह से कॉमर्स हो सकता है इसमें, और यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। ठीक है, फिर नॉर्थ नेशनल वाटरवे 3 में कोट्टापुरम कोल्लम जो कि आपका केरल में आता है तो वहाँ पर, फिर नेशनल वाटरवे 4 जो कि गोदावरी और कृष्णा, और फिर नेशनल वाटरवे 5 जो कि आपका ईस्ट कोस्टल कनाल में मटाई रिवर और डेल्टा चैनल जो कि महानदी और ब्रह्मानी रिवर्स के साथ ईस्ट कोस्ट कनाल में है। ठीक है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ओशियनिक रूट का। अगर ओशियनिक रूट का बात करें मतलब कि ओशियन में समुद्र में तो बहुत पहले से ही चले आ रहा है। ठीक है, समुद्र में बहुत पहले से ही ट्रेड चले आ रहा है, तो इस प्रकार से दुनिया भर का लगभग 90% जो ट्रेड होता है वो ओशियनिक वाटरवे से होता है, यानी कि ओशियनिक रूट से होता है, यानी कि समुद्र से होता है। ठीक है, भारत में लगभग 95%, और जो है जो वैल्यू का अगर बात करें यानी कि पैसा का अगर बात करें तो 70% पैसा के हिसाब से जो ट्रेड होता है वो मेनली ओशियन से ही होता है, मतलब कि समुद्री यात्रा से ही होता है। अब अगर बात करें एयर ट्रांसपोर्ट का तो आपको पता ही है कि एयर ट्रांसपोर्ट लगभग 1900 का उपज है, उस टाइम से स्टार्ट हुआ था, और भारत में जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो 1911 में स्टार्ट किया गया, और ये 10 किलोमीटर का उस टाइम था, अलाहाबाद से नैनी जो कि आपका, अच्छा आप लोग बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि नैनी कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो अलाहाबाद से नैनी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था, वहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट पहली बार स्टार्ट किया गया, और फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI को एस्टेब्लिश किया गया, और वो बताया गया कि आप जो है वो भारत में जितने भी एयर ट्रांसपोर्ट का कम्युनिकेशन होगा, उसका जो एयरपोर्ट होगा, उसका जो मेंटेनेंस होगा, उसका जो बिल्डिंग होगा वो आप मैनेज करोगे। ठीक है, इस प्रकार से अभी फ़िलहाल 125 एयरपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है। ये आई थिंक 2016 का डाटा है, तो आप लोग अभी चेक कर लो 2022 में कितने सारे एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल एयर सर्विस का अगर बात करें तो एयर इंडिया जो है वो पैसेंजर और कार्गो ट्रैफिक दोनों के लिए इंटरनेशनल एयर सर्विस का भी इंतजाम करती है और उसको एक तरह से चलाती है। ठीक है, 2010 में डोमेस्टिक मूवमेंट का अगर बात करें तो कुछ 520 लाख पैसेंजर जो है वो अप डाउन किए, और कुछ
23 लाख मेट्रिक टन ऑफ कार्गो, कार्गो यानी कि सामान, सामान को एक मतलब एक तरह से ट्रेड किया गया, ठीक है। और भारत का अगर हेलीकॉप्टर सर्विस का बात करें तो हिली एरियाज़ में अगर आप जाओगे यानी कि उत्तराखंड वाले रीजन में, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में, तो वहाँ पे आपको पवन हंस मिलेगा जो कि हेलीकॉप्टर सर्विस है जो कि भारत सरकार के द्वारा चलता है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी वो मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका इतिहास के बारे में जान लें तो 1911 में सबसे पहले हल्दिया और नैनी में ये स्टार्ट किया गया। 1947 में इसको अलग अलग जगहों पे बांट दिया गया, जैसे कि इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर स्पेस, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया, डेक्कन एयरवेज, और आज के डेट में तो बहुत सारा है, ठीक है। 1951 में चार और कंपनियाँ आई, जैसे कि भारत एयरवे, हिमालय एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया और कलिंगा एयरलाइन। 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कर दिया गया और एयर इंडिया इंटरनेशनल और इंडियन एयरलाइंस को बनाया गया, ठीक है। अभी तो एयर इंडिया बहुत ज़्यादा एक तरह से सक्सेसफुल एक स्टोरी है ना। अब ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, यानी कि हम लोग बात करते स्टार्ट में है कि पाइपलाइन भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, तो अगर ऑयल और गैस पाइपलाइन का बात करें तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और इफ़िशियंट होता है, यानी कि आप एक बार पाइप लगा दो और यहाँ से आप पेट्रोल या फिर कोई डीजल या फिर कोई लिक्विड आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आने वाले समय में कभी भी हो सकता है कि कहीं पर लीक हो गया, लीक होने के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ से डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा और पेट्रोल या फिर किरोसिन या फिर जो भी लिक्विड ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो वहाँ पर गिरने लगेगा और उसका लॉस होगा, ठीक है। फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है, इसका गठन किया गया और ये क्या करती है, भारतवर्ष में जो है पाइपलाइन बिछवाती है, उसका मेंटेनेंस करवाती है, उसको देखती है। भारत में अगर पाइपलाइन का बात करें तो अंकलेश्वर कोयाली, मुंबई हाई कोयाली, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ये सब बनाया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में एक सलाया जो कि गुजरात है में है और यूपी जो कि मथुरा में है उसके बीच में 1256 किलोमीटर का एक पाइपलाइन बिछाया गया। अब बात करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम अभी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन है, यानी कि एक तरह का माध्यम, एक मीडियम जिससे एक इंसान दूसरे इंसान को समझ सकें, ठीक है। ये दो तरह का होता है, पहला होता है पर्सनल यानी कि एक बेस्ट फ्रेंड दूसरे बेस्ट फ्रेंड को कुछ बोलेगा, ठीक है। दूसरा होता है मास, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, पता नहीं आप कितने व्यक्ति हो जो आप उसको सुन रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से मास हो गया और पर्सनल हो गया। पर्सनल कम्युनिकेशन में आता है जैसे कोई खत लिखा, किसी को लेटर लिखा, कोई टेलीफोन फ़ोन से बात कर रहा है, कोई टेलीग्राम कर रहा है, कोई फैक्स कर रहा है, कोई ईमेल भेज रहा है, वो तो एक इंसान एक ही इंसान को भेज सकता है ना। अगर मास का बात करें तो रेडियो, जैसे स्पीकर जो है, रेडियो जॉकी है, वो जब बोलता है तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। जैसे हम आपको अभी बता रहे हैं तो आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जो मुझे आप सुनोगे, ठीक है। इस प्रकार से मैगजीन हो गया, बुक्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सब क्या है, ये सब मास कम्युनिकेशन है, मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम का जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर बताता है और एक व्यक्ति ही इसको समझ सकता है, इवन सुन सकता है, ठीक है। ये मेनली अर्बन एरियाज में देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि ईमेल कर दिया कोई किसी को, है ना, कोई फ़ोन कर दिया डायरेक्ट अगर किसी से बात करना है तो, और ये जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। अगर मास कम्युनिकेशन सिस्टम का बात करें तो सबसे पहले आता है रेडियो। रेडियो का अगर बात करें तो भारत में ये 1923 में स्टार्ट किया गया था और उस टाइम पर रेडियो क्लब ऑफ मुंबई का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था और वहीं से ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट किया गया था और धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और अभी तो वैसे ये रेडियो का बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी एक तरह से घर घट गया है, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी था। 1957 में आकाशवाणी स्टार्ट हुआ और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर उसको नाम चेंज करके आकाशवाणी कर दिया गया 1957 में। अभी भी देखो आप बहुत जो बूढ़े होंगे वो रेडियो सुनते होंगे, बट अब बहुत ज़्यादा कम हो गया। ये टेलीविज़न का अगर बात करें तो 1959 में सबसे पहली बार नेशनल कैपिटल में ये टेलीविज़न सर्विस स्टार्ट किया गया था। 1972 नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली में 1972 में ये ऑपरेशनल हुआ और अलग अलग लोग इसको देखना शुरू किए। 1976 में टीवी जो है वो ऑल इंडिया रेडियो से उसको हटा दिया गया और अलग एक तरह का आइडेंटिटी दिया गया और दूरदर्शन जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से एक ही चैनल था उस टाइम पर और बहुत ज़्यादा हिट था और बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर था, ठीक है। फिर एक सेटेलाइट लॉन्च होता है जिसका नाम है INSAT-1A, ठीक है, और उसको ऑपरेशन में लाया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है और फिर डीडी नेशनल जो है वो ब्रॉडकास्टिंग अपना शुरू करता है। फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बात करें तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर सैटेलाइट नहीं होगा तो ना टीवी चलेगा ना हम आपसे बात कर पाएंगे, ठीक है। तो सैटेलाइट जो है वो
अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग के लिए। अगर अभी आप जानते हो कि गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन देती है मोबाइल पे कि आने वाला समय हो सकता है चक्रपात आए या चक्रवात आए या फिर हो सकता है तूफान आए, तो ये कैसे होता है, ये सेटेलाइट के थ्रू होता है। ये क्या सेटेलाइट क्या करती है, वेदर फॉरकास्ट करती है, मतलब वो बताती है कि आने वाले समय में बादल कहाँ जा रहा है, कैसा वेदर होगा इस प्रकार से। फिर नेचुरल कैलामिटीज़, अगर मान लेते हैं कि सेटेलाइट से ऊपर से कैमरा लगा हुआ होता है और वो वहाँ से देख लेता है कि किस जगह में बारिश होने का आसार है या किस जगह में फ्लड आने का है या किस जगह में तूफान आने का है, ठीक है, या किस जगह में लैंडस्लाइड हो सकता है इस प्रकार से। बॉर्डर एरियाज में भी वो देख सकता है कि हाँ पाकिस्तान वाले सही से रह रहे हैं या नहीं, या मजाक कर रहे हैं, ठीक है, या आना चाहते हैं भारत में, इस प्रकार से वो बॉर्डर एरियाज में भी देखता है। भारत में मेनली दो तरह का सेटेलाइट होता है, एक होता है इनसेट यानी कि इंडियन नेशनल सेटेलाइट सिस्टम और दूसरा होता है IRS यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट सिस्टम, ठीक है। इनसेट जो है वो 1983 में स्टार्ट किया गया था, ये अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन यानी कि ये देखता है कि जो वातावरण है उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है। और अगर IRS सेटेलाइट का बात करें यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट का बात करें तो ये 1988 में स्टार्ट किया गया और वहाँ से ये चल रहा है। फिर PSLV यानी कि पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल का स्टार्ट किया गया और वो क्या करता है, वो अलग अलग सेटेलाइट्स को वहाँ से लॉन्च करता है और उसको बोलते हैं लॉन्चिंग व्हीकल। फिर नेशनल रिमोट सेंसिंग यानी कि NRSC जो कि हैदराबाद में है, वो क्या करता है, वो डेटा को एक्वायर करने में, एक्विजिशन करने में हेल्प करता है, उसको प्रोसेस करता है और समझता है कि क्या डेटा आ रहा है ऊपर से और उसका कैसे इंटरप्रिटेशन किया जाए। तो आपसे मैंने दो क्वेश्चन पूछा है और उन दोनों का आप आंसर दो। एंड अगर हो सके तो आप मुझे ये बताओ कि रोड्स जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यानी कि भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।